केमिकल बॉन्डिंग एंट्रांस टेस्ट की हम प्रेपरेशन कर रहे थे, तो इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो बनते हैं हमारे पास अरेंजमेंट्स करनी है हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हाइब्रिडाइजेशन हमारे को पता होनी चाहिए कि कौन सी हाइब्रिड का ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल इन एच एफ इज, इसका आंसर है नॉन बॉन्डिंग। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एल ए सी ए एल सी ए ओ एंड एम ओ थ्योरी द मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एन टू एंड एन टू पॉजिटिव आर, तो एन टू इसमें हमारे पास क्या होता है डायमैग्नेटिक एंड एन टू पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर, तो इसका आंसर है सी ओ थ्री टू नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर फोर, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय द कैटायन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, फिर आता है हमारे पास बॉन्ड एंगल अमंग एच टू ओ एच टू एस एच टू एस सी एंड एच टू टी ई फॉलो द ऑर्डर, द राइट आंसर इज एच टू ओ एच टू एस एच टू एस सी एंड एच टू टी ई। फिर आते हैं हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड बाय, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो इसका राइट आंसर है वो होता है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास जो मॉलिक्यूल की शेप है वो कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड टाइप की हो जाती है, ओके। फिर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन, द बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन दी ऑर्डर, तो हमारे पास तीन यहाँ पे मोस्टली कंपाउंड दिए गए हैं, तो इनमें से कैसे हमारा डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल का, तो सबसे पहले हमारे पास सी एच फोर आता है, फिर एन एच थ्री, फिर वाटर, द राइट आंसर इज ए। नाउ द क्वेश्चन नंबर एट इज, द अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज, तो इनमें से हमारे पास कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है, वो है हमारे पास ओ टू, ठीक है, तो राइट आंसर इज ओ टू। द शेप ऑफ टी ई सी एल फोर मॉलिक्यूल इज, तो टी ई सी एल फोर की शेप हमारी कैसी होती है, वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम ओ टी द स्पीशीज सी टू, सी टू स्पीशीज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इसका क्या जाता है टू आता है, और ये हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है डायमैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हमारे पास चार कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो है सी एच थ्री ओ एच मिथाइल अल्कोहल। द मॉलिक्यूल दैट डज नॉट पोजेस अ परमानेंट मैग्नेट डायपोल मोमेंट इज, तो किस मॉलिक्यूल की हमारे पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होती है, आंसर इज बी एफ थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट वैल्यू, तो सबसे पहले हमारे पास पैरम डेरिवेटिव आते हैं, फिर मेटा आते हैं, फिर हमारे पास ऑर्थो डेरिवेटिव आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, वो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है चार, तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है, तो राइट आंसर इज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, द बी एफ बॉन्ड डिस्टेंस इन एन एच थ्री बी एफ थ्री इज डैश 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 देन इन बी एफ थ्री, तो क्या होती है लॉन्गर होती है, ठीक है। द एवरेज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एवरेज बॉन्ड एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हैव जीरो डायपोल मोमेंट, तो कौन से हमारे पास ऐसा सब्सटीट्यूशन है जिसकी जीरो डायपोल मोमेंट होती है, आंसर इज पैरा डेरिवेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉन्ड एनर्जी यूज टू डिटरमाइन, बॉन्ड एनर्जी हमारी किस लिए यूज़ की जाती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज बॉन्ड एनर्जी, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ आ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इफ वन एज्यूम्स लीनियर स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ बैंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इसमें कहा गया कि अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास वाटर का दिया गया है, इसमें उसकी हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर बनती है, बैंड स्ट्रक्चर बनती है, पर ये बोले कि अगर हम उसको लीनियर स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा आंसर सॉलिबिलिटी ऑफ पोलर कंपाउंड्स इन वाटर, हम उसकी सॉलिबिलिटी नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ए बी एन द नंबर ऑफ एवरेज बॉन्ड एनर्जी विल बी वन, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द डायपोल मोमेंट इज हाइएस्ट फॉर, तो किसकी डायपोल मोमेंट हाइएस्ट होती है, एन एच थ्री की। क्वेश्चन नंबर 23, द डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज 1.8 डी एंड द बॉन्ड लेंथ इज 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, द परसेंट आयोनिक रिएक्टर ऑफ एच एक्स विल बी 25%, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन टू न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सेम है, एक तो होता है एवरेज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड, उसका आंसर था एवरेज बॉन्ड एनर्जी, और इसका है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूट्रल एटम, इसका आएगा बॉन्ड एसोसिएशन, ठीक है, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ नॉन पोलर
एक्स टू द बॉन्ड मोमेंट ऑफ ए एक्स इज 0.56 डी, द बॉन्ड एंगल इज कितने का बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलैरिटी ऑफ एस एफ फोर सी एल टू, तो इसमें से ये स्टेटमेंट होता है, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ आउटर एटम दिस मॉलिक्यूल कुड बी पोलर और नॉन पोलर। क्वेश्चन नंबर 27, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली मेटल इज कंपेरेटिवली, द आंसर इज स्मॉल। द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय हिटलर लर्नन थ्योरी। एन टू मॉलिक्यूल्स कंटेन्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एन टू नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल हमारे क्या कंटेन करते हैं, इसमें तो पहला तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है एक, और दूसरा होता है हमारे पास टू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30, द एंगल बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज, तो sp2 हाइब्रिड के जो हमारे पास बनते हैं बॉन्ड या कंपाउंड, तो उसके बीच हमारे पास कितना एंगल होता है, आंसर इज 120 डिग्री। द शेप ऑफ IF7 इज, तो IF7 की शेप क्या होती है, शेप से रिलेटेड हमारे बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो IF7 की वापस कैसी शेप होती है, स्क्वायर पिरामिडल। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF6, किसकी पूछी गई है, सल्फर की पूछी गई है SF6 में, तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, द बॉन्ड एंगल इन वाटर, ये तो सभी को पता है कि 104 होता है। ठीक है, फिर आता है एनो मॉलिक्यूल इज ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन एनी हैव डिफरेंट एनर्जी बट सिमिलर सिमेट्री, दिस इज द राइट ऑप्शन। विच मॉलिक्यूल और आयन हैव प्लेनर कन्फिग्रेशन, द राइट आंसर इज XeF4। XeF4 की क्या होती है, हमारे पास प्लेनर कन्फिग्रेशन होती है। मार्क द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट H2 मॉलिक्यूल इज अ एंगुलर, दिस इज राइट। BF3 मॉलिक्यूल प्लेनर, ये भी राइट है, ये भी टेट्राहेड्रल है। ठीक है, SF6 इज अ स्क्वायर प्लेनर, दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। ठीक है, वेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम 6, देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज, द राइट आंसर इज ऑक्टाहेड्रल। ट्रू स्टेटमेंट इज प्रेडिक्टेड बाय, तो हाइब्रिड फॉर्मेशन के द्वारा होती है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम इन AlF4 नेगेटिव इज, द राइट आंसर इज sp3। क्वेश्चन नंबर 41, द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम इन AlF4 इज, द राइट आंसर इज 41 का हमारे पास जो आंसर आता है वो है, तो AlF4 में कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है हमारे पास, sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन इन शॉर्ट लिव स्पीशीज CH2 पॉजिटिव इज, द आंसर इज sp लीनियर। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज, द आंसर इज H2O, NH3 एंड NF3। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी द मॉलिक्यूल और आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप इज SO4 नेगेटिव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द वंडरवॉल फोर्सेस आर लाइकली टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द आंसर इज Br2। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू MOTIL द स्पीशीज O2 पोजेस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5। क्वेश्चन नंबर 47, द मॉलिक्यूल विद हाइएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हैज लीनियर शेप बेस्ड ऑन विस्पर थ्योरी इज I3 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 48, द पेयर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स और आयंस हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इन इज SnCl4 pH4 पॉजिटिव। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, आंसर इज SalicylAldehyde। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर H2CO3 एंड CO3 नेगेटिव आयंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ CO3 नेगेटिव इज मोर देन दैट ऑफ H2CO3। क्वेश्चन नंबर 51, मॉलिकुलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड XeF4 आर डिफरेंट विथ 1, 0 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास आंसर आता है इसका D। क्वेश्चन नंबर 52, N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इन टू मोनो एनाइंस, N2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इन O2 नेगेटिव OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट हमारी कैसे गलत है, तो राइट आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 53, इफ अ मॉलिक्यूल MX3 हैज 0 डायपोल मोमेंट, द सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल यूज्ड बाय M आर sp2 हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 54, क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय अ ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल्स एंड टू एंड, इच कार्बन इन कार्बन सल्फोक्साइड, या सल्फोक्साइड नहीं सब ऑक्साइड सॉरी, इज आंसर इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 56,
विच एंगल वॉट एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन दी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट फॉर दी ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल वाई एक्स वाई. आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 90 degree. द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायपो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज आंसर इज 2. क्वेश्चन नंबर 58. द नोडल इन दी पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन आंसर इज द मॉलिक्यूलर प्लेन. क्वेश्चन नंबर 59. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द आंसर इज एसओ 3 टू नेगेटिव में कैसी होती है हमारे पास पी पाई एंड डी पाई बॉन्डिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 60. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल. द आंसर इज SF4. ठीक है, तो ये थे हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं. बाकी इसमें हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट आते ही आते हैं MSc के एंट्रांस में, और हमारे पास बॉन्ड एंगल आती है, ज्योमेट्रीज उसकी डिफाइन करने के लिए आती है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.